वीडियो में बात करने वाले हैं फाइव फीचर्स जो ऑलरेडी बुककीपर में हैं लेकिन शायद आपको नहीं पता है। आज हम उन पांच फीचर्स से बात करेंगे एंड इन फीचर्स को जानने के बाद आप बुककीपर में कितना और इजीली काम कर सकते हैं, कितना और अच्छे से काम कर सकते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। फाइव फीचर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला जो फीचर है, जब वो कीपर आप ओपन करते हैं आपके सामने ये डैशबोर्ड दिखाई देता है। मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपका काम करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे ये विंडो गायब हो जाएगी। तो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आप कहीं पर भी कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो वो विंडो एग्जिट हो जाता है। ये पहला फीचर है। पहला फीचर जो हम बात कर रहे हैं वो है शॉर्टकट्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको समझना आसान हो जाए। कंट्रोल क्यू आप कहीं पर भी प्रेस करेंगे तो आप वो विंडो एग्जिट कर सकते हैं। अब आपके सामने ये विंडो आ गई। इसमें तीन शॉर्टकट जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। हमें बहुत ज़्यादातर हमें जाना होता है अकाउंट्स में या लेजर में। उसमें जाना है तो ऑल्ट ए प्रेस करना है, आप अकाउंट्स वाली विंडो में आ जाएंगे। आपको ऑल्ट ए प्रेस करना है, आप अकाउंट से विंडो में आ जाएंगे। ऑल्ट वी प्रेस करेंगे तो आइटम की विंडो में आ जाएंगे आप। ऑल्ट टी प्रेस करेंगे तो आप सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। मैं आपको ये तीन दोबारा से बताता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाले हैं। ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो आप अकाउंट से विंडो में जा सकते हैं। ऑल्ट वी प्रेस करेंगे आप आइटम्स में जा सकते हैं। ऑल्ट टी प्रेस करेंगे तो आप सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मदद करेंगे आपके ये शॉर्टकट। आप इनमें से कोई भी बटन आप प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें मेनली इन्हीं सब में जाना होता है। तो आप इस विंडो पर हैं, ऑल्ट ए अकाउंट्स वापस जाने के लिए मैंने जैसे आपको तो बताया कंट्रोल क्यू, आपको माउस को टच नहीं करना है, आप वाया कीबोर्ड या पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। ऑल्ट वी प्रेस किया आप इन्वेंटरी आइटम पर आ सकते हैं। ऑल्ट टी प्रेस किया आपने तो आप ट्रांजेक्शन्स पर आ सकते हैं। तो ये थे शॉर्टकट। एंड हमें जो भी इनवॉइस बनाना होता है मेनली, तो उसका शॉर्टकट भी यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है F8। आप कीबोर्ड पर F8 दबाएंगे तो आप इनवॉइस वाली विंडो पर आ सकते हैं। F8 इनवॉइस वाली विंडो पर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना माउस को हाथ लगाए आप कीबोर्ड की मदद से कैसे आप जल्दी से जल्दी इनवॉइस बना सकते हैं। चलिए इनवॉइस बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम दो आइटम डालेंगे, रेट डालेंगे, इनवॉइस सेव करेंगे, देखते हैं हम कैसे हो सकता है ये बिना माउस को हाथ लगाए। देखिए एंटर प्रेस करते रहिए, आप आधे आधे चलते रहेंगे। कभी भी आपको पीछे जाना है तो आप शिफ्ट एंटर दबा सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिफ्ट एंटर दबाया, पीछे जा सकते हैं। एंटर दबाएंगे, आधे चलते रहेंगे। इसमें चलिए हम एक आइटम डाल देते हैं, क्वान्टिटी डाल देते हैं, रेट डाल दिया। चलिए एक और आइटम डाल दी मैंने इसमें। कीबोर्ड पे ही पूरा ध्यान है, माउस को हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ आ रही दिस इज फर्स्ट सैम्पल इनवॉइस एंड यहाँ पे सेव करने का भी शॉर्टकट है F12। सेव किया एंड इनवॉइस हमारा रेडी हो जाए, इनवॉइस नंबर 10। ये नया इनवॉइस ओपन हो जाए, इनवॉइस नंबर 11। तो हमने देखा कि F8 से आप इनवॉइस बना सकते हैं। एंड आपको एंटर या फिर शिफ्ट एंटर आपको प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप आगे चलते रहेंगे, मूव फॉरवर्ड। शिफ्ट एंटर आप प्रेस करेंगे तो आप मूव बैकवर्ड। तो पूरा इनवॉइस आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, आपको माउस को हाथ नहीं लगाना है। चलिए एक काम करते हैं, आप इनवॉइस बना लिया, मुझे इनवॉइस देखना है। अगेन हम कीबोर्ड पर ही रहेंगे, माउस पर नहीं जाएंगे। जैसे हमने F8 प्रेस किया था ऐसे ही आप शिफ्ट F8 प्रेस करेंगे तो आप इनवॉइस देख सकते हैं। सारे इनवॉइस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और एंटर प्रेस किया, मैं नीचे आ गया। यहाँ पे आपको कौन सा इनवॉइस देखना है वो आप देख सकते हैं। चलिए मुझे INV10 बनाया था, मुझे देखना है। अगेन मैं एंटर प्रेस करूँगा, व्यू इनवॉइस, और इनवॉइस मेरे सामने ओपन आई है। अगेन पूरा हम कीबोर्ड पर चल रहे हैं अभी, आपको देखना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, शिफ्ट F8, इनवॉइस से लिस्ट ओपन हो गई। एंटर प्रेस किया, नीचे आ रही हम।
जो भी इनवॉइस देखना है वहाँ पे एंटर प्रेस किया, व्यू इनवॉइस, तो आप यहाँ पे अपना इनवॉइस आप देख सकते हैं जो आपने बनाया था। ऐसा प्रिंट निकालना है, ऊपर शॉर्टकट है ऑल्ट पी, तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ऑल्ट पी एंड ये प्रिंट आ गया, एंड यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा काम आप वाया कीबोर्ड कर सकते हैं। इनवॉइस देखना, इनवॉइस बनाना, इनवॉइस देखना, देखने के लिए हम कहाँ गए थे, शिफ्ट F8, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर शिफ्ट F8, जिससे आप इनवॉइस व्यू कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और फीचर बताने जा रहा हूँ जो कॉमनली शायद नहीं पता है आपको, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ मैं। ये आपके सारे अकाउंट से आप किसी पार्टी का लेजर देखना चाहते हैं, सपोज ये मोहित है, आपको इस पार्टी का लेजर देखना है, तो आपको रिपोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से क्लिक करेंगे व्यू लेजर, लेजर ओपन हो जाएगा। अकाउंट से अंदर से ही आप डायरेक्टली लेजर निकाल सकते हैं, क्लिक किया यहाँ पे व्यू लेजर, लेजर ओपन हो जाता है। जैसे अकाउंट्स में ऐसे ही आइटम पे भी आप क्लिक करेंगे तो इन्वेंटरी आइटम डिटेल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, इन्वेंटरी आइटम डिटेल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे जाना है इन्वेंटरी आइटम डिटेल। तो जो मैंने थर्ड फीचर आज आपको बताया वो है कि आप अकाउंट्स के अंदर से लेजर आप ओपन कर सकते हैं, आइटम के अंदर से इन्वेंटरी आइटम डिटेल रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। ये हमने जो बात की वो है थर्ड फीचर, अकाउंट के अंदर से और आइटम के अंदर से हम ओपन कर सकते हैं रिपोर्ट्स डायरेक्टली। चलिए एक और फीचर की हम बात कर लेते हैं, वो है आइटम स्टॉक लेवल एंक्वायरी। ये फीचर अपने आप में बहुत स्मार्ट है, बहुत सारे फीचर इसमें एक साथ में डाले गए हैं। जैसे आप अगर आप देखना चाहिए डार्क ग्रीन चेयर, आप डिटेल निकालना चाहें, आपने एंटर प्रेस किया, ये बताता है यदि 33 क्वांटिटी पड़ी हुई है आपके पास। कभी अभी ऐसा होता है हम दुकान पर होते हैं, कोई ग्राहक आता है वो पूछता है ये सामान है आपके पास या नहीं है, तो डायरेक्टली हम जाके देखें मैनुअली है या नहीं, हम डायरेक्टली इस ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। हम यहाँ पे आइटम का नाम डालेंगे, सर्च का बटन दबाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हम देख सकते हैं कि ये आइटम हमारे पास स्टॉक में है या नहीं। अगर आइटम की फ़ोटो डाली है तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आप दोबारा एंटर प्रेस करिए, ये आपको ये भी बता देगा कि आइटम का क्या रेट है, लास्ट आपने कितने रेट में ख़रीदा था, कितने रेट में बेचा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा देगा, लास्ट 5 परचेज या सेल इन्फॉर्मेशन। यही सेम चीज़ आप ऑल्ट F2 आइटम हिस्ट्री में भी जा देख सकते हैं। यह है आइटम स्टॉक लेवल एंक्वायरी। तो मैं एक यहां पे लिख देता हूं आइटम स्टॉक लेवल एंक्वायरी। आज हमने एक ये फीचर देखा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमें कभी कभी आइटम कंपनी चेंज करनी होती है, हम दो कंपनी पे काम कर रहे हैं, हमें कभी सेकंड कंपनी पे जाना है, फर्स्ट पे जाना है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया ऑल्ट F1, ऑल्ट F1 आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये पूछेगा कि करंट कंपनी बंद करनी है, हम यस करेंगे एंड ये विंडो आ जाएगी आपके पास, आप सेकेंड कंपनी ओपन कर सकते हैं। ये मेरी सेकेंड कंपनी है, मैं ये ओपन कर देता हूँ। तो जब आप मल्टीपल कंपनीज पे काम कर रहे हैं आपको स्विच करना है कंपनी, स्विच कंपनीज, तो उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F1। एक कंपनी बंद करके आप सेकंड कंपनी ओपन कर सकते हैं, सेकंड बंद करके आप थर्ड या फर्स्ट जो भी कंपनी ओपन करना चाहें आप कर सकते हैं। जो आज की वीडियो में हमने बात की है वो है शॉर्टकट्स, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। किसी भी विंडो से आपको बाहर निकलना है, आप किसी भी विंडो के अंदर है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ दोबारा से, ट्रांजेक्शन से अंदर, इनवॉइस से अंदर आप जा चुके हैं इस टाइम पे, उससे अंदर आप एडिट कर चुके हैं, आप इतने अंदर आ चुके हैं, आपको बाहर निकलना है तो बस कंट्रोल क्यू दबाते रहिए और आप वापस से पहले वाली विंडो पर आ जाएंगे। तो कंट्रोल क्यू पूरे सॉफ्टवेयर में काम करता है, आप कहीं भी हैं आपको बाहर आना है कंट्रोल क्यू दबाते रहिए, आप बाहर आ जाएंगे।
और तीन और शॉर्टकट ऑल्ट ए अकाउंट से लिए, ऑल्ट वी आइटम्स एंड ऑल्ट टी ट्रांजेक्शन से लिए। ये आप किसी भी अपडेट में हैं उन सब में काम करेगा। फिर भी आप लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप पुराने अपडेट में हैं तो भी ये काम करेगा। देन बात करते हैं इनवॉइस की। आप पूरा ना पूरा इनवॉइस बना सकते हैं। F8 पे जाएंगे, इनवॉइस बनाने की विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आप पूरा कीबोर्ड की मदद से इनवॉइस बना सकते हैं। आप खुद बना के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइए। पूरा इनवॉइस आप कीबोर्ड से बना सकते हैं, माउस से टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा यह होता है कि आप बहुत जल्दी इनवॉइस बना सकते हैं। एंटर से आगे जा सकते हैं, शिफ्ट एंटर से पीछे, एंड इनवॉइस आप देखना चाहते हैं तो शिफ्ट F8 पे जाएंगे, पूरी इनवॉइस से लिस्ट आ जाएगी। नहीं तो ऑल्ट टी जो हमने पहले डिस्कस किया था वहाँ से भी आप इनवॉइस देख सकते हैं। अकाउंट्स पे डबल क्लिक या फिर अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे आप लेजर ओपन कर सकते हैं। आइटम पे क्लिक करेंगे इन्वेंटरी आइटम डिटेल रिपोर्ट ओपन हो जाती है। तो आपको स्पेशली रिपोर्ट्स में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। देन हम बात करें स्टॉक लेवल इंक्वायरी की। आपको कोई भी कस्टमर आया, पूछा दिए आइटम आपके पास है या नहीं, आपको ढूंढने की फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है अपने दुकान में ढूंढने की, आप यहाँ जाके पता लगा सकते हैं कि आपके पास स्टॉक है या नहीं। एंड लास्ट जो हमने बात किया आइटम कंपनी स्विच करने के लिए, तो उसके लिए बहुत शॉर्टकट दिया है यहाँ पे, ऑल्ट F1 आप दबाएंगे तो आप कंपनी चेंज कर पाएंगे। तो आज हमने 5 फीचर्स की बात की है, या 5 फीचर्स आप ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको मेल आईडी लिख देता हूँ यहाँ पर, या फिर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज हमने इन 5 फीचर्स की बात की। आप अगला कौन सा फीचर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि अगला कौन सा फीचर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये 5 फीचर, 5 जो टिप्स आपको बताई हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी सॉफ्टवेयर डेली यूज में आप कैसे चला सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, एंड सॉफ्टवेयर के अंदर आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप फ्री हैं, थोड़ा सा आप टाइम लगाना चाहते हैं तो। जैसे आप यहाँ पे हैं तो ये पूरा कीबोर्ड से आप देखिए, यहाँ बहुत सारे शॉर्टकट हैं, डिलीट करना है ऑल्ट डी, कैंसिल ऑल्ट एक्स, डुप्लीकेट बनाना है ऑल्ट 2, तो ये बहुत सारे शॉर्टकट दिए गए हैं इसमें। तो जो काम आप यूज़ करते हैं, सपोज आप डिलीवरी नोट बनाते हैं बहुत ज़्यादा, या आप डुप्लीकेट बिल बनाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो शॉर्टकट आपके लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। लाइक आपको ये बिल का डुप्लीकेट बनाना है तो आप ऑल्ट 2 दबाएंगे, बिल का डुप्लीकेट बन जाता है। आप डुप्लीकेट बिल बनाते हैं बहुत ज़्यादा तो ये शॉर्टकट आपके बहुत काम आएगा। तो इस टाइप से आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, बहुत जगह पे बहुत सारे शॉर्टकट लिखे गए हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।